मैं फिर से आया हूं आपके लिए एक सुपर ट्रिक लेकर पिवट टेबल में। इस बार हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को कई बार जरूरत पड़ती है, मान लीजिए आपकी एक सेल्स टीम है और वहां पे आपको उनकी सेल्स फिगर डेली बेसिस पे या वीकली पे या मंथली बेसिस पे उनको भेजना पड़ता है, मान लीजिए पिवट से ही रिपोर्ट बनाते हैं, तो आपके पास अगर 200, 250 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं या ऐसी सेल्स टीम है, हर एक को उनकी सेल से अवेयर कराना है और आपके पास कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वही काम हम एक्सेल से विद इन अ क्लिक कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है जिसमें हमारे पास रीजन, रिप्रेजेंटेटिव, आइटम, यूनिट, यूनिट कॉस्ट, टोटल है, इस तरह का एक डमी डेटा है। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, पिवट टेबल लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लूंगा रीजन, रीजन को कॉलम में ले लेता हूँ, आइटम को डाउन रो में ले लेता हूँ, और जितनी सेल्स हुई है वो टोटल मैंने ले लिया। मान लीजिए यही सेल्स फिगर आपको भेजना है हर एक एम्प्लॉय को, जैसे रिप्रेजेंटेटिव, मैं फिल्टर्स में ले लेता हूँ, रिपोर्ट फिल्टर में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंड्रयूज की सेल्स कितनी है, या हर एक की अलग अलग सेल देख सकते हैं। तो करना क्या है कि मेरे पास क्या ऐसा तरीका है जिससे इनकी शीट्स बन जाए, तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास यहाँ पिवट टेबल में, पिवट टेबल एनालाइज टैब है, यहाँ पे ऑप्शंस है, इसके बगल में एक एरो का निशान है, यहाँ पे है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। तो जैसे ही बटन मैं ये क्लिक करूंगा, आप देखिए नीचे क्या होता है यहाँ पे रोज में, तो और ये मैंने क्लिक किया तो हम देखेंगे कि नीचे यहाँ पे हम ओके कर देंगे जो भी हमें जिसके वाइस पेज चाहिए, तो यहाँ पे उनके पेजेस बनने शुरू हो गए। आप देख सकते हैं हर एक की रिपोर्ट आ चुकी है। उनको आप पिवट टेबल तो भेजेंगे नहीं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनको एक साथ फॉर्मेट कर देते हैं। जैसे शीट फोर पे हमारा मेन पिवट है, ये इनके नाम है, शिफ्ट दबा के मैंने आगे तक, यहाँ तक इनके नाम है ये सिलेक्ट कर लिया, ये सारे सिलेक्ट हो गए, इस यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ आ गया आपका। तो अब जो भी मैं करूँगा वो हर एक वर्कशीट पे होगा। कॉपी किया मैंने सारा सिलेक्ट करके, और यहीं से मैंने क्या किया, पेस्ट से, पेस्ट एज वैल्यूज। तो अब मेरा पिवट हट चुका है हर एक शीट से, ऊपर से मैं चाहूं तो यहाँ पे ये भी दे सकता हूँ कि ये सेल्स रिपोर्ट है। थोड़ा बहुत फॉर्मेट मैं कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ नाम बदल सकता हूँ, जैसे आइटम्स, और ये क्या है हमारा, आइटम्स, यहाँ से चाहूँ तो इनको डिलीट कर सकता हूँ। ये सेल्स रिपोर्ट हाईलाइट कर दिया मैंने, किसके लिए है, इनके लिए। थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग मैं कर सकता हूँ, इसको बोल्ड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ की है वो आपकी हर शीट पे एक साथ हो गई। ओके फ्रेंड्स, हमारे व्यूअर्स के लिए खुशखबरी कि हम अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रॉम नेक्स्ट सैटरडे टू संडे हमारा ट्रेनिंग बैच, जानने के लिए कब से स्टार्ट होगा उसके लिए हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।